नूह में हिंसा इसलिए हुई क्योंकि वहां पहले से तनाव था। अलर्ट होने के बावजूद पुलिस ने जरूरी कार्रवाई नहीं की और दंगा हो गया। इस हिंसा को भड़काने का एक और आरोपी भी आज तक के कैमरे पर आपको दिखेगा। इसका नाम मोहम्मद जाबिर है, जिसने मेवात में पुलिस वालों के हाथ पैर तोड़ने का भड़काऊ बयान भी दिया था, जो बहुत वायरल हुआ था। फिर पुलिस क्या कर रही थी? हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम भी यात्रा में शामिल रहेगी। मोनू मानेसर ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। बिट्टू बजरंगी मोहम्मद समर, अगर CIA पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पे तोड़ दो, छिड़ी छिड़ी कर दो। और जाबिर, ये वो चेहरे हैं जिन पर नूह में हुई हिंसा को उकसाने का आरोप। ये वही जाबिर है जिसने मेवात में जुटी भीड़ में कहा था कि अगर पुलिस वाले आए तो हाथ पैर तोड़ देना। अगर CIA पुलिस किसी गांव में बिना इंफॉर्मेशन के घुसे, आपका मुकामी थाना ना रहे, हाथ पैर तोड़ दो, छिड़ी छिड़ी कर दो। 31 साल का जाबिर राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला है, जो खुद को जुबैर और नासिर का भाई बताता है, जिन्हें हरियाणा के बुलेरो में जिंदा जलाने का आरोप मोनू मानेसर पर लगा। नूह में हुई हिंसा से पहले जाबिर का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने पुलिस को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। आज तक की टीम ने जब इस बारे में पूछा तो उसने खुद को सही बताने की कोशिश की। उस वीडियो में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई भी पुलिस वाला आए तो गांव में उसको मारना पीटना? मैं जी इसलिए कह रहा हूँ उस वीडियो में कि फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद साइबर थाना, जो यहाँ से सैकुल को उठा के ले जाता है, जो पुलिस की तैयारी कर रहा हुआ करता है सैकुल, और एक पेपर उसने पास भी कर लिया, और उसको ले जाके वहाँ जाके मार देते हैं। जब मार देते हैं तो हम यहाँ से जाते हैं और वहाँ वही तानाशाही वाला रौब देखते हैं उनको। लेकिन हमारे जब बंदे को, भाई को मार दिया, तो हमने इसलिए कहा कि भाई पुलिस की वर्दी में चोर भी आते हैं। फरीदाबाद में साइबर क्राइम के एक मामले में मेवात के एक मुस्लिम की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव। इसी मामले को लेकर बिट्टू बजरंगी के भी कई भड़काऊ बयान सामने आए थे। उसने दूसरे पक्ष को उकसाने के लिए 150 गाड़ियों के साथ नूह आने का दावा किया। ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। इस तरह नूह में तनाव पहले से था और उसे तैयार करने में कई लोगों का हाथ था, जिसे लेकर जाबिर पर भी उंगलियां उठी, लेकिन अब वो इससे इनकार करता है। रोज रोज हमारे साथ में वारदातें हो रही हैं, घटना हो रही है, तो हम इस हिसाब से कह रहे हैं कि भाई सावधान रहें, सतर्क रहें। और ये नहीं कि मेरा जो बयान है उसको कल मैंने TV पे देखा था, जोड़ा जा रहा है नूह वाली घटना से। मैं इसका खंडन करता हूँ बिल्कुल। अगर मीडिया इसका जोड़ती है तो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। उस सैकुल की घटना थी, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो जाबिर खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन एक ही सांस में वो मोनू मानेसर पर उंगली उठाने से नहीं चूकता, जिसके खिलाफ उसने दुश्मनी का ऐलान कर रखा है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उस घटना से लेना देना नहीं है, लेकिन जो आपने बोला वो इस तरीके से था कि वो प्रोवोकेटिव था, भड़काऊ था, इंस्टिगेट कर रहा था, लोगों को उत्तेजित कर रहा था कि पुलिस के खिलाफ आपको लड़ना है, और आपकी आपकी शिकायत मोनू मानेसर से भी है। उससे तो जी सबसे पहले शिकायत है, मेरे भाइयों का कातिल वही है, मेरे भाइयों को जिंदा उसी ने जलाया है। गोपालगढ़ से उठाते हैं, फिरोजपुर CIA उसके साथ में थी, और वहाँ लोहारू के जंगल में जाके जलाया, तो मेरे भाइयों को किसने जलाया? मोनू मानेसर 302 का मुलजिम है, उससे तो सबसे पहले शिकायत है। लेकिन पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया? पता नहीं पुलिस कब अरेस्ट करेगी उसको, पूरे भारत को जलवा के अरेस्ट करेगी। वही दंगा कर रहा है, वही दंगों को भड़कवा रहा है। हरियाणा में इतनी बड़ी हिंसा हो गई, लेकिन हर आरोपी खुद को बेकसूर बताने से नहीं चूकता। उसमें मोनू मानेसर से लेकर बिट्टू बजरंगी भी शामिल है।
हरियाणा को जलाने में जिन चेहरों पर शक है वो भले ही एक दूसरे के जान दुश्मन हो, लेकिन उनमें एक बात समान और वो ये कि सभी का रिश्ता नू से नहीं। मोनू, बिट्टू, अतुल्ला और जाबिर किसी का भी नू से रिश्ता नहीं, फिर भी इन लोगों पर नू की शांति भंग करने का आरोप है। यानी बाहर के लोगों ने अपने भड़काऊ बयानों और वीडियो से नू को जलाने का काम किया और हरियाणा पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगी। नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक।